नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। स्वर सम्राट मोहम्मद रफ़ी भारतीय सिनेमा के महानतम गायक थे। दर्दे दिल, दर्दे आने दे उसके परदेसियों से ना अखियां में भी ना जाओ छोड़ कर दिल मिल सितारों का आंगन मुझे तेरी ये चांद सा रोशन चेहरा। रफ़ी साहब ने लगभग 4 दशक तक अपने आवाज के जादू से लोगों को मंत्रमुग्ध करते रहे। बहारों फूल बरसा ये रेशमी जुल्फे आज मौसम गाऊंगा मैं तुझे 14वीं का चांद हो दुनिया के रख। रफ़ी साहब के आवाज के दीवाने आज भी हैं। भले ही उन्हें गुजरे हुए 40 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन रफ़ी साहब के गाने सुनकर आज भी यूँ लगता है कि जैसे वह इन्हीं फिजाओं में आज भी हैं। इस तरह से मेरी तेरी आँखों के सिवा दिल पुकारे आ रे यार मेरी महबूबा महबूबा महबूबा। यूँ तो हमने लाख हंसी देखे सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज। अपनी करिश्माई आवाज से दुनिया भर में संगीत प्रेमियों को मदहोश कर देने वाले रफ़ी साहब ने हिंदी के अलावा लगभग 18 भाषाओं में 26,000 से ज़्यादा गाने गाए थे। रफ़ी साहब का 31 जुलाई 1980 को निधन हो गया था। आज हम रफ़ी साहब के जीवन के आखिरी गाने को प्रस्तुत करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें और वीडियो के अंत तक बने रहें। कुछ लोग समझते हैं कि रफ़ी साहब का आखिरी गाना नौशाद के संगीत निर्देशन में अली सरदार जाफरी द्वारा लिखित गीत जिस रात के ख्वाब आए वह रात आई है, जो अधूरी फिल्म हब्बा खातून के लिए था। जिस रात के ख्वाब नौशाद के संगीत निर्देशन में रफ़ी साहब का आखिरी गाना था, उनका आखिरी गाना नहीं था। रफ़ी साहब ने आखिरी गाना सन 1981 में आई फिल्म आसपास के लिए गाया था। आसपास को निर्मित किया था जगदीश कुमार ने और निर्देशित किया था राकेश रोशन के ससुर और ऋतिक रोशन के नाना जे ओम प्रकाश ने। वहीं धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, प्रेम चोपड़ा मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म में संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तथा गीत आनंद बख्शी ने लिखे थे। फिल्म में कुल 6 गीत रखे गए थे जिन्हें किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने गाया था। यह फिल्म 1980 में ही रिलीज होनी थी, लेकिन सेंसर बोर्ड के द्वारा शराब पीने के दृश्यों पर रोक लगाने के कारण 1 साल देरी से रिलीज हुई थी। रफ़ी साहब ने अपना आखिरी गाना इसी फिल्म के लिए गाया था। जब यह फिल्म 1981 में रिलीज हुई थी तब जे ओम प्रकाश ने रफ़ी साहब को समर्पित करते हुए लिखा था कि आई डेडिकेटेड दिस फिल्म टू मोहम्मद रफ़ी ए ग्रेट फ्रेंड ए ग्रेट ह्यूमन बीइंग एंड ए ग्रेट सिंगर ही संग द लास्ट सॉन्ग ऑफ द लाइफ फॉर दिस फिल्म दिस लविंग मेमोरी विल बी लाइफ फॉर एवर विथ दिस सॉन्ग। दरअसल रफ़ी साहब को अपनी मौत का आभास पहले ही हो गया था। रफ़ी साहब आसपास फिल्म में 2 गाने गाए थे। वह पहले शहर में चर्चा है गाने को रिकॉर्ड किए थे जिसमें ऋतिक रोशन भी दिखाई दिए थे। वह उस वक्त 7 साल के थे और गाने में वह हेमा मालिनी को आंख मारते हैं और एक खत देते हैं। देखिए, शहर में चर्चा है ये दुनिया कहती है गली में मेरी एक लड़की कुंवारी रहती है बहरहाल रफ़ी साहब इस गाने की रिकॉर्डिंग खत्म करके घर जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक
जे ओम प्रकाश ने रफ़ी साहब से कहा कि रफ़ी साहब एक मिनट के लिए रुकिए। रफ़ी साहब मुड़कर बोले, पापा जी मेरा गाना खराब है क्या? जे ओम प्रकाश ने कहा, नहीं नहीं रफ़ी साहब, गाना आपका बहुत अच्छा है, एक शेर रिकॉर्ड करना था, उसे मैं भूल गया था। रफ़ी साहब ने कहा, अच्छा अच्छा तो रिकॉर्ड कर देते हैं। रफ़ी साहब की ज़िंदगी का जो आखिरी फिल्मी गीत था वो समझ लीजिए खुशनसीबी या बदनसीबी से मेरी ही फिल्म का था। आसपास का गाना गाया उन्होंने और गाना गा के जा रहे थे तो मैंने उन्हें आवाज़ दी, मैं कहा रफ़ी साहब एक मिनट के लिए। टर्न करके ना बोले, पापा जी मेरा गाना ख़राब है? मैं कह नहीं रफ़ी साहब गाना आपका बहुत अच्छा हुआ है, एक शेर रिकॉर्ड करना था मैं भूल गया। फिर रफ़ी साहब उस शेर की रिकॉर्डिंग में लग गए। रिकॉर्डिंग पूरा करने के बाद रफ़ी साहब ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी से कहा, शुड आई लीव, यानी क्या मैं चला जाऊं? जिसे सुनकर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि इससे पहले रफ़ी साहब ने उनसे कभी इस तरह की बात नहीं की थी। अगले दिन 31 जुलाई 1980 को रफ़ी साहब को दिल का दौरा पड़ा और वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए। आइए उस गाने के कुछ अंशों का आनंद लेते हैं जिसे धर्मेंद्र पर बैकग्राउंड में फिल्माया गया है, जब वह हेमा मालिनी को याद करते हैं। शेर रूपी गाने के बोल हैं, तू कहीं आस पास है दोस्त, शाम फिर क्यों उदास है दोस्त। रफ़ी साहब भौतिक रूप से हमारे बीच भले नहीं हैं, लेकिन वह अपने गीतों के माध्यम से हर जगह और हर किसी के दिलों में जिंदा हैं। यदि गीत का आनंद विस्तार से लेना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आनंद ले सकते हैं। मित्रों, आप लोग रफ़ी साहब के बारे में दो शब्द क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।